हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। एंड गाइस, मैं चला रहा था आपका दीघा से हावड़ा तक जाने वाली सुपर एसी एक्सप्रेस, जिसका कि पार्ट वन मैंने ऑलरेडी बना चुका था। एंड पार्ट वन में मैंने यहीं पे ख़त्म किया था, बावरा स्टेशन पे। तो ये आपका पार्ट टू है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला था कि यहाँ पर हमको क्यों रोका गया है। एंड साइड के ट्रैक्स में सिग्नल रेड था, पता नहीं क्या होने वाला है। एंड गाइस, हमारे राइट साइड में जो है एक एलएचबी ट्रेन आ चुकी है, जिसको कि रेस्ट करने के लिए रखा गया है। मेरे उस साइड में एक लोकल ट्रेन भी आ चुकी है, जिसको भी रेड सिग्नल मिला है, जो कि पहले पार्ट में नहीं था, अभी अभी आई है कुछ देर पहले। एंड साइड के ट्रैक्स में आप तो देख ही सकते हैं कि सिग्नल जो है वो तो ग्रीन हो चुका है। मतलब अब तो पता चल ही रहा होगा आपको कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा ट्रेन आ रहा है यहाँ पर, और ये हमारा ट्रेन यहीं पर खड़ा है। चलो कौन सा ट्रेन आ रहा है, तो वैफ 4 के साथ कोई ट्रेन लगता है। तो ये है आपका 12886 अरण्यक एक्सप्रेस, जो कि हमको ओवरटेक कर रही है। यार हम लोग तब से यार ओवरटेक ही फेस कर रहे हैं, काफ़ी छोटा सा ट्रेन लगता है ये। एकदम पहले हमको एक हमसफर एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया था, उसके बाद इस्पात एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया मेचेदा स्टेशन पे, एंड अभी बावरिया में ये अरण्यक एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है। पता नहीं यार हमको इतना आज प्रायोरिटी कम क्यों मिल रही है। वैसे तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी हमको, लेकिन पता नहीं यार कम मिल रही है प्रायोरिटी। चलो यार, हमारे कोच के अंदर में मैं घुस चुका हूँ, एंड देखते हैं कब सिग्नल मिल जाएगा। ट्रैक मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। अच्छा, तो सामने से लगता है कोई ट्रेन आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से ना स्मोक दिखाई दे रहा है, काला काला धुआं देखो। तो पता नहीं कौन सा ट्रेन आ रहा है, ये तो पक्का होगा क्योंकि डीजल के साथ ही है, एल्को लोकोमोटिव ही होगा, क्योंकि इस साइड में EMD लोकोमोटिव ज़्यादा चलते नहीं है। हाल ही में एक हमसफ़र एक्सप्रेस को EMD लगा था, अब वैसे तो चलते नहीं है ज़्यादा। ये कौन सा ट्रेन है, 08093 शालीमार भांजपुर स्पेशल। अच्छा, ये भी काफ़ी स्पीड से जा रही है, एंड ये भी छोटा ट्रेन है यार। डीजल काफ़ी स्पीड से जा रहा है अल्को लोकोमोटिव। चलो हमको भी साइड में सिग्नल मिल चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। हॉर्न बजा देते हैं फिर, कौन सा वाला हॉर्न बजाए, 3 हॉर्न में से थर्ड वाला ही बजाते हैं। चलो चलो एकदम धीरे धीरे डिपार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट हमारा 25 का है, लेकिन हाँ चलो 21 तक रखते हैं स्पीड को, क्योंकि उसके बाद में तो 40 का स्पीड लिमिट आ ही रहा है। तो यहाँ इस बावरिया स्टेशन से हम लोग इस साइड वाले EMU लोकल, ये जो साउथ ईस्टर्न लिखा हुआ है, साउथ ईस्टर्न रेलवेज के एक EMU लोकल को हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं। इसको तो रेड सिग्नल देके रोक के रखा है, ये भी रुकी हुई है। उस साइड में कोई फ्राइट वगैरह नहीं, कोई फ्राइट वगैरह नहीं है। वैसे होता है यार बावरा स्टेशन में फ्राइट्स वगैरह खड़े होते हैं, लेकिन अभी खाली है। एंड इस साइड में तो LHB ट्रेन को रेस्ट करने के लिए रखा गया था, जो लोको लेके आया था इस ट्रेन को, वो तो यार भाग गई, इसको डीकपल करके वो भाग गई। एंड हमारा स्पीड अभी 13 पे चल रहा है, तो चलो 21 तक लेके चलते हैं थोड़ा सा थ्रॉटल को बढ़ा के। इसके बाद से ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा सामने, देखो यार दिख रहा होगा कि हमारे ट्रैक्स में ग्रीन सिग्नल है मेन लाइन पे। तो गाइस, मेन लाइन पे जब हम लोग आ जाएंगे ना, तब स्पीड को अब धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। चलो मेन लाइन पर तो आ रहा है, चलो गाइस स्पीड को जो है अब इंक्रीज करते हैं थ्रॉटल बढ़ा के धीरे धीरे। साइड के ट्रैक्स में कैसा सिग्नल है वो देख लेते हैं। येलो सिग्नल है, मतलब कोई ट्रेन आने वाली है। अब कौन सा ट्रेन आता है वो तो आगे जाके पता चल ही जाएगा। एंड गाइस, रात होने वाला है, बिग टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है शाम के 6:28, मतलब 6:30 के आसपास बजाए शाम के। एंड अंधेरा तो बस होने ही वाला है काफ़ी। देखो यार अभी भी, अभी से ही जो है आपका वो क्या बोलते हैं, स्टार्स वगैरह सब दिखने लगे, एंड काफ़ी क्लाउड्स है यार, रात में भी काफ़ी क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। चलो हल्का सा कर्व में हम लोग जा रहे हैं, हॉर्न बजा देते हैं। अरे यार स्पीड लिमिट तो यार यहाँ पे 40 का था यार, लेकिन मैं 46 पे चला गया था। लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी कर्व घूमने के बाद स्पीड लिमिट 110 का हो गया, तो 110 में तो हम लोग जाएंगे नहीं, 80 तक जाते हैं।
एक्चुअली यहाँ का स्पीड लिमिट ना 110 का ही है, लेकिन हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टेशन गुजारा गया है तो वो स्टेशन में हल्का सा कर्व से गुजारा गया है, तो इसीलिए स्पीड लिमिट कम लग रहा है। कोई ट्रेन आ रही है वैग 7 के साथ, फ्राइट ट्रेन, टैंकर फ्राइट है। चलो गार्ड जी कहाँ गए आप? अरे यार गार्ड जी कहाँ गए? कोई सिग्नल दिखाता नहीं यार, यही तो मैं पहले भी बताया था, यही तो प्रॉब्लम है इस गेम की। कोई सिग्नल भी नहीं दिखाएगा, कोई अपने मर्जी से स्पीड लिमिट ब्रेक कर देगा, कोई ट्रेन को एकदम रॉकेट बना देगा, और भी पता नहीं क्या क्या कर देगा। तो सामने स्टेशन आ रहा है वो है आपका आबादा स्टेशन, एंड यहाँ से हमारा ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है। अच्छा साइड में एक फ्राइट खड़ी है, इसको कि हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं बड़े मज़े से। एंड गाइस स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि 80 का स्पीड लिमिट है, नहीं तो बेकार में ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग। इसका वैग 9 था आपका, ये देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, वैग 9 था इस फ्राइट लोको, फ्राइट का लोको का। इसको भी हम लोग ओवरटेक मार चुके हैं, सामने चलते हैं। आबादा स्टेशन से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, 90 पे चले गए यार, थोड़ा डिक्रीज़ करता हूँ स्पीड को मैं। सामने वापस से ग्रीन सिग्नल दिख रहा है मेरे को। अच्छा इसके बाद ना संक्रायल आता है जनरली रियल वर्ल्ड में, लेकिन इस गेम में तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था क्या, इस रूट में ना बहुत कुछ स्किप मारा है क्योंकि रियलिस्टिक नहीं है। तो साइड में एक EMU लोकल आ रही है, ये आपका शायद खड़गपुर या मिचदा तक जाएगी, या पांसकुरा तक भी जा सकती है, मुझे तो नहीं मालूम। चलो 100 का स्पीड लिमिट आ चुका है तो इनक्रीज़ करते हैं। कर्व पे हैं इसीलिए हॉर्न बजा रहे हैं यहाँ पे। सामने वापस से 80 का स्पीड लिमिट है, साइड के ट्रैक्स में सिग्नल अभी रेड है। एंड यार कर्व पे कितना मस्त लग रहा है, देखो यार काफी मस्त लग रहा है हमारा ट्रेन। एंड सामने पता नहीं और कौन सा स्टेशन आ रहा है, अभी तो आंदूल स्टेशन आ रहा है, तो आंदू स्टेशन को हम लोग स्किप मारेंगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं ज़्यादा इंक्रीज नहीं करूँगा अब थ्रॉटल को। साइड में एक स्टैटिक रेक, अच्छा ये स्टैटिक कौन है भाई? दोनों साइड में फ्राइट्स है यार, यही तो खास बात है भाई। आंदोलन में कभी आप आओगे ना फ्राइट्स नहीं देखोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, फ्राइट्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, स्पेशली आंदोल में। अरे यार कुछ ज़्यादा ही स्पीड डिक्रीज हो गया यार, इतना स्पीड डिक्रीज नहीं करना था। तो साइड में गाइस एक ट्रेन आ रही है, सिमलीपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये भी एल्को के साथ हॉल्ट ट्रेन है। 18007 सिमलीपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये भी छोटा सा ट्रेन है। और हमारे साइड में एक कोल फ्राइट थी। और गाइस यहाँ पे साइड से मैं यही सोच रहा था वो ट्रेन किधर गई, एक ट्रेन तो थी गाइस, वो ट्रेन गई किधर मैं वही सोच रहा था। जो हमको ओवरटेक किया आरण्यक एक्सप्रेस, तो उसको जो है यहाँ लेफ्ट साइड के ट्रैक्स में डाल दिया गया, जो ये जो ट्रैक्स ऊपर में जा रहा है ना दिख रहा ना, ये ट्रैक्स से उसको डाल दिया गया सांतरागाछी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो मोरीग्राम स्टेशन को हम लोग स्किप मार रहे हैं, और साइड में है आपका कौन है, ये लोकल ट्रेन जी है साइड में। साइड में एक और नहीं साइड, अच्छा ये देखो ऊपर से जा रही है आरण्यक एक्सप्रेस, ये आरण्यक एक्सप्रेस जो कि हमको ओवरटेक की थी वो अभी ऊपर से क्रॉस कर रही है हमको, ये देखो चली गई ऊपर से, उसको सांतरागाछी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दिया जा रहा है एक्चुअली। तो चलो गाइस अभी हमारा इधर ट्रैक चेंज हो रहा है, एंड साइड में एक एल्को लोकोमोटिव खड़ा था, और हम लोग सांतरागाछी में एंट्री मार चुके हैं। वो देखो आरण्यक एक्सप्रेस, वो देखो उधर से आ रही है, मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो एक फ्राइट भी जा रही है साइड से, और आरण्यक एक्सप्रेस सांतरागाछी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंट्री मार रही है वैप 4 के साथ, ये आ रही है। चलो अभी हम लोग अपने ट्रेन के पास में चलते हैं। सांतरागाछी में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, ये है आपका सांतरागाछी का कोच यार्ड। ये साइड में एक LHB ट्रेन, पता नहीं इसका शंटिंग चल रहा होगा, शंटिंग चल रहा है या फिर ये कोई ट्रेन ही है जो कि यहाँ पे आके स्टॉप की है, पता नहीं। चलो आगे चल के लोको देखेंगे तो पता चल जाएगा हमको। और ये सांतरागाछी यार काफ़ी अभी डेवलप हो रहा है, कोई अगर साउथ ईस्टर्न रेलवेज में रहता है तो उनको पता ही होगा,
सांतरागाछी को काफ़ी डेवलप कर रहे हैं ये लोग। अच्छा लग रहा है यार, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सांतरागाछी का फ्यूचर प्लान देखा है आपने? मैंने तो देखा यार, यूट्यूब में है, आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें यार प्लान काफ़ी मस्त बनाया है। मेट्रो वेट्रो भी होगा शायद यहाँ पे सांतरागाछी के ऊपर से, और नीचे से शायद ये आपका ये ब्रॉड गेज वाली ट्रेन जाएंगे। और ये देखो सांतरागाछी को स्किप मार रहे हैं हम लोग, और अरण्यक एक्सप्रेस वहाँ से एंट्री मार रही है, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है दिख रहा होगा। और ये देखो साइड में एक WDM3 है खड़गपुर सेट का, एक नहीं बल्कि तीन तीन WDM3 है। सब लोग शंटिंग करने के लिए रेडी है। एंड हमारे साइड का वो जो LHB ट्रेन था ना, उसका भी शंटिंग चल रहा था। एंड यहाँ से देखो यार, एक फ्राइट ट्रेन WAG-9 के साथ क्रॉस कर रही है, एक कंटेनर फ्राइट ही है, हाँ एक कंटेनर फ्राइट ही है। एंड वो अरण्यक एक्सप्रेस कहाँ गई यार? अरण्यक एक्सप्रेस वो देखो यार, वो अरण्यक एक्सप्रेस जो है वहाँ पे आके रुक गई, वो देखो दिख रहा है ना अरण्यक एक्सप्रेस WAG-4 के साथ वहाँ पे आके रुक चुकी है, क्योंकि उसका रेगुलर स्टॉपेज है। एंड वो शालीमार तक जाएगी, शालीमार मतलब हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, देखो ये देखो दोनों साइड में ट्रैक जा रहे हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में हावड़ा है, राइट साइड में शालीमार है। चलो सामने की ओर चलते हैं। अरे यार रात हो गया, मैंने हेडलाइट्स नहीं जलाया अभी, अजीब बात है, पेनल्टी हो जाएगा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी तो जला दिया हेडलाइट्स। एंड चलो फिर अभी स्पीड को एक्सीड करते हैं, अभी तो 80 का लिमिट सामने आ रहा है, तो 80 तक लेके चलते हैं। सामने जो स्टेशन है वो है राम रजत ताला। काफी सारे पैसेंजर्स देखो यहाँ पे वेट मार रहे हैं, सिग्नल पूरा ग्रीन मिला है हमको, यहाँ से देखो सारा सिग्नल हमको नजर आ रहा है। तो अभी कुछ, अरे यार बाइक वाले को मार दिया क्या मैंने? अजीब है भाई, बाइक वाले को यार मार दिया मैंने, ठोक दिया उसको, लेकिन वो जिंदा है भाई, चिंता मत करो वो जिंदा है। कर पे हॉर्न बजा देते हैं। तो सामने से एक ट्रेन आ रही है गाइस, वो है आपका शिरोमणि फास्ट पैसेंजर, शिरोमणि फास्ट पैसेंजर, इसका ट्रेन नंबर था 58015। तो ये ट्रेन हमको काफ़ी तेज़ी से क्रॉस की। एंड हम लोग भी मज़े से जा रहे हैं, एक ट्रेन को शायद हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं यहाँ पे ना। हाँ ये पता नहीं यार कौन सा ट्रेन है, किसको ओवरटेक मार रहे हैं भाई हम लोग। अरे यार ये तो इस्पात एक्सप्रेस है, इस्पात एक्सप्रेस को भाई हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं यहाँ से। वैसे तो गाइस हमें तो इसके साथ में चलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इसको ओवरटेक क्यों मार रहे हैं हम लोग। इसको क्या सिग्नल वगैरह नहीं मिला है? हाँ भाई ये तो रेड सिग्नल है, इसको पता नहीं यार इसको रोक के क्यों रखा है यहाँ पे। इस्पात एक्सप्रेस याद है गाइस, एकदम गेम के पहले इसी ने हमको ओवरटेक किया था, तो अभी हम लोग इसको ओवरटेक मार रहे हैं। अरे नहीं यार ये तो चलना स्टार्ट कर दिया एंड हमको ओवरटेक मार रही है वापस से। अरे यार हमको स्पीड लगाना पड़ेगा यार, नहीं तो यार ये हमको ओवरटेक करके भाग जाएगी, यहाँ पे 80 का स्पीड लिमिट है। तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से, देखते हैं यार कौन जीतता है आज के इस रेस में। सामने कोई स्टेशन आ रहा है क्या? दोनों को येलो सिग्नल मिला है, हमको भी येलो सिग्नल, उसको भी येलो सिग्नल। चलो कर्व पे है तो रिड्यूस करना पड़ेगा स्पीड को, 50 तक रखते हैं स्पीड को। हाँ चलो ये वाला स्पीड ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। इस्पात कहाँ गई यार? ये देखो ये जा रही है आपका इस्पात एक्सप्रेस, वो देखो साइड से क्रॉस मार रही है इस्पात एक्सप्रेस। तो दोनों एकदम बिल्कुल मजे से जा रहे हैं हम लोग। अब देखते ही हैं कि हावड़ा स्टेशन पे किसको पहले एंट्री मिलती है। भाई हम लोग दोनों जा तो रहे, लेकिन किसको एंट्री पहले किसको मिलेगी हम लोगों को वही देखने का है। चलो फिर देखते हैं। और याद है गाइस हमसफर एक्सप्रेस भी शायद गया था, याद है ना हावड़ा यशवंतपुर हमसफर, उसने भी हमको ओवरटेक किया था पहले। तो वो क्या हावड़ा पे पहुंच गई? पता नहीं यार, वो तो देखने से पता चल जाएगा। एंड हमको शायद अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल देखो यार येलो था, अभी इसके बाद का सिग्नल रेड दिख रहा है, तो क्या पता शायद हमको अभी रोकना पड़े ट्रेन को। एंड अभी हम लोग टिकियापारा एमू कारशेड में है, मतलब हावड़ा के एक स्टेशन पहले हैं, इसके बाद ही हावड़ा स्टेशन है। तो चलो देखते हैं किसको पहले एंट्री। अरे यार इसको तो पहले एंट्री मिल जाएगी शायद, देखो यार ये आगे बढ़ रही है।
हाँ यार, इसी को पहले एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि यार देखो हमारा तो रेड सिग्नल है एंड मतलब हमको रुकना पड़ेगा। एंड उसको तो यार वो एकदम मज़े से जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको शायद पहले ही एंट्री मिल जाएगी यार। लेकिन यार मैंने सोचा था यार मेरे को ही मिलेगा पहले एंट्री, यार इससे ओवरटेक करवाए थे ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है इसी को अभी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी हावड़ा स्टेशन में एंट्री मारने के लिए। नहीं, इसका स्पीड भी कम हो रहा है मुझे दिख रहा है, पता नहीं यार क्यों। इसका भी स्पीड काफ़ी कम हो रहा है, अभी देखते हैं कि क्या होता है सामने। हमारा तो सामने सिग्नल रेड ही है। अच्छा, उसका भी सिग्नल रेड है, दिख रहा है आपको यहाँ से गाइस, उसका भी सिग्नल देखो, उसका भी सिग्नल रेड है। एंड यार हावड़ा में देखो यार कितने सारे क्रॉसिंग्स चल रहे हैं यहाँ पे, एक गरीब रथ जा रही है, और कौन कौन जा रहा है, एक गरीब रथ जा रही है, एक लोकल ट्रेन जा रही है, और यहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है वैप 4 के साथ, और एक एल्को के साथ एक ट्रेन यहाँ पे वेट मार रही है। हावड़ा में शंट हो रहा है, इसका काफ़ी लंबा ट्रेन है यार, और एक लोकल ट्रेन वहाँ पे खड़ी है। चलो सामने की ओर चलते हैं हम लोग, और अभी हम लोग भी यहाँ पे रुकने ही वाले हैं, चिंता ज़्यादा आप मत करो, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रुकने ही वाले हैं। देखो यार ये क्रॉसिंग्स बड़े शानदार लग रहे हैं यार, कितने सारे ट्रेन एक साथ क्रॉस मार रहे हैं यहाँ पे। चलो हम लोग भी रुक गए और इस्पात एक्सप्रेस भी रुक गए, तो अभी देखने वाली बात ये है यहाँ से किसको पहले सिग्नल मिलता है, तो वही चीज़ हमको देखना है। एंड साइड में काफ़ी ट्रेन्स के क्रॉसिंग्स जा रही है, चलो देखते हैं किसको पहले सिग्नल मिलेगा यहाँ पे। यार हावड़ा स्टेशन हर वक्त बिजी रहता है, पता ही है आपको। अच्छा सामने से एक लोकल ट्रेन आ रही है, देखो जो लोकल ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी ना, वो लोकल ट्रेन आ रही है। अच्छा हमारे साइड से एक ट्रेन का शायद क्रॉसिंग हो रहा है, सामने से कौन सा ट्रेन आ रहा है, ये कुछ ही देर पहले हावड़ा से डिपार्ट की है एंड ये हमको अभी क्रॉस करने ही वाली है। चलो गाइस हम लोगों को तो सिग्नल मिल चुका है, हॉर्न बजा कर डिपार्ट करते हैं फिर। चलो एकदम झटकेदार डिपार्ट किए, और इस्पात एक्सप्रेस को घुसने का प्रायोरिटी नहीं मिला, हम ही को घुसने का प्रायोरिटी दिया गया। एंड यहाँ से देखो गाइस, चलो सामने की ओर चलते हैं वापस से। तो ये देखो यार बिजी हावड़ा स्टेशन, हम लोग एंट्री मार रहे हैं और इधर साइड से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है हमको। और एक लोकल ट्रेन भी आ रही है पीछे से, आपको दिख ही रहा होगा, एक लोकल ट्रेन आ रही है। और इधर साइड में एक क्या कहते हैं इसको, एक वैप 7 खड़ी है, एक वैप 7 ही नहीं, एक लोकल ट्रेन भी खड़ी है, इसको भी सिग्नल नहीं मिला है हावड़ा में घुसने के लिए। और एक लोकल ट्रेन उधर से आ रही है, और क्या क्या आ रहा है, और पीछे से एक जनशताब्दी भी आ रही है, पता नहीं यार कौन सा जनशताब्दी होगा, इसका भी वैप 4 लगा हुआ है। काफ़ी मस्त एक्शन लग रहा है यार, इतना सारा ट्रेन से यार हावड़ा में यार हर वक्त बिजी होता है यार। मैं बता रहा था ना हावड़ा, अगर आप कभी आए हो गए तो आपको पता ही होगा कि कितना बिजी होता है। चलो भाई लोकल लगा कोई रुक गया, क्योंकि मुझे ब्रेक्स का साउंड आने लगा था। एक हल्का सा कर्व में हम लोग जा रहे हैं, और सामने देखो यार कितने सारे जो है ना आपके ये खड़े हैं, क्या कहते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ। चलो कैमरा सेट हो गया, और देखो यहाँ पे साइड में एक वैग 7 खड़ी है। यहाँ पे वैग 7 कहाँ से आ गया, वैग 7 के साथ कोई और एक इलेक्ट्रिक लोको है, और एक वैप 7 हॉग है यहाँ पे, शायद हावड़ा शेड का होगा, और एक वैप 4 है, ये तो शायद सांतरागाछी का होगा पक्का, देखना ये सांतरागाछी का ही होगा। हाँ ये देखो सांतरागाछी लिखा हुआ है, सांतरागाछी का वैप
4 और एक एल्को लोकोमोटिव। ये तो यार शंटिंग के लिए होंगे, पता नहीं ये किसका शंटिंग के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे है कि नहीं हम लोग देखते हैं। चलो वो जो हावड़ा यशवंतपुर हमसफ़र एक्सप्रेस थी ना, वो उसका बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। F7 ऑन कर लेते हैं, कहीं पे है? नहीं है, नहीं है गाइस, नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे होगा लेकिन नहीं है गाइस, मुझे लगा था यहाँ पे होगा लेकिन नहीं है। चलो F7 को क्लोज करते हैं और सामने कौन सा ट्रेन से। अरे यार वो तो रहा हमसफ़र, वो देखो यार वहाँ पे हमसफ़र और साइड में ये एक एल्को लोकोमोटिव है, ये शायद हमको सेंड करेगी सांतरागाछी स्टेशन तक जब हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे उसके बाद। और गाइस वहाँ पे देख लो यार कौन से ट्रेन्स वगैरह खड़े हैं। यहाँ पे देखो यार एक वैप 7 के साथ एक ट्रेन है और दूर में एक EMD के साथ एक ट्रेन है। अच्छा EMD के साथ ये कैसा कॉम्बिनेशन है, EMD के साथ वैप फोर फेल्ड होगा एंड और एक वेब 7 के साथ एक्सप्रेस और यहाँ पे एक EMU लोकल खड़ी है, एक नहीं बल्कि दो EMU लोकल खड़ी है। और साइड में ये एक बार देख लेता हूँ कौन सा हमसफ़र है, ये है आपका यशवंतपुर हमसफ़र। मैंने जैसे कि कहा था यशवंतपुर हमसफ़र हमको ओवरटेक किया, इसको तो हावड़ा में होना ही चाहिए था, तो ये हावड़ा में है। एंड उस साइड में वो गरीब रथ है जो कि अभी कुछ देर पहले अराइव की है। और कहाँ पर कौन सा क्या क्या है, चलो और कहीं पर कुछ भी नहीं है। हम लोग अब जो है आराम से जाके एंट्री मार रहे हैं हावड़ा स्टेशन पे। चलो हमारा पूरा ट्रेन घुस चुका है हावड़ा स्टेशन पे। मज़ा आ रहा है ना हावड़ा में, कितने सारे क्रॉसिंग्स देखने को मिल रहे हैं। चलो अभी हम लोग चलते हैं हमारे ट्रेन के पास। और तो और गाइस हमारे पीछे तो इस्पात एक्सप्रेस भी आ रही होगी क्योंकि उसको भी जगह चाहिए ना हावड़ा में। वो पहले देखो यार ट्विस्ट जो है ना एकदम इस एक्ट के पहले उसने हमको ओवरटेक किया लेकिन हावड़ा में आके हमको पहले एंट्री मिल गया यार, वो उसको पीछे छोड़ दिया हम। तो यार ये ट्विस्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, अच्छा कर रहे साउथ ईस्टर्न रेलवेज वाले, बहुत ही अच्छा किए। लास्ट तक प्रायोरिटी सुपर AC एक्सप्रेस को ही मिला एंड उसको साइड कर दिया गया, काफ़ी अच्छा है। चलो अभी हम लोग रुकने वाले हैं, रुकने का वक्त हो ही चुका है। अरे रुक जा भाई, ब्रेक्स लगाता हूँ मैं। चलो भाई ब्रेक्स तो मैंने लगा दिया, अब ये रुक जाएगा ट्रेन हमारा यहाँ पे। चलो बस अब रुकने वाला है, चलो रुक चुके हैं हम लोग। एंड अभी पीछे क्या, एंड अभी पीछे का नज़ारा देखते हैं कि कैसा है नज़ारा पीछे का। तो पीछे सारे ट्रेन अभी यहाँ पर अभी तक खड़े हैं एंड इस्पात एक्सप्रेस आ रही है क्या, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, क्या कहते हो? इस्पात एक्सप्रेस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि वो आता है कि नहीं या फिर उसको अभी भी रोक के रखा गया है। चलो तो सामने कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा। हाँ आ तो रही है गाइस, एक कोई ट्रेन आ रहा है। चलो F7 ऑन करके देख लेते हैं, उसका तो नेम अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सामने बढ़ते हैं। हाँ गाइस आ रही है 12872 इस्पात एक्सप्रेस, आ रही है। तो अब ये भी यहाँ पे आ रही है, अब देखते हैं कि इसको कौन से प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। ऑफ कोर्स साउथ ईस्टर्न रेलवेज वाले साइड में दिया जाएगा, दैट इज़ ये न्यू ब्लॉक वाला जो प्लेटफॉर्म है मैं उसका बात कर रहा हूँ। अच्छा तो इसका ट्रैक चेंज हो रहा है ना, हाँ भाई मुझे तो लग रहा है इसका ट्रैक चेंज ही हो रहा है। ये देखो इसका ट्रैक चेंज हो रहा है, कितना मस्त लग रहा है, काफ़ी मस्त नज़ारा यार। कितने सारे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, कोई खड़ा है कोई जा रहा है कोई आ रहा है। और ये देखो इसको जो है ना एंट्री जो मिल रही है वो शायद हमारे साइड में ही मिल रही है यार, हाँ हमारे साइड में मिल रही है इसको एंट्री, बिल्कुल गाइस हमारे साइड में इसको एंट्री मिल रही है। ये देखो आ रही है इस्पात एक्सप्रेस एकदम हमारे साइड में, धीरे धीरे एंट्री मार रही है। तो ठीक है गाइस आप लोग बस बताना कि आज का ये एक्ट आपको कैसा लगा एंड ये ट्विस्ट कैसा लगा। जो जो हमें ओवरटेक किया लास्ट में आके हमने उन दोनों को ओवरटेक कर दिया,
बस हमसफ़र एक्सप्रेस को ओवरटेक नहीं कर पाए क्योंकि वो तो वैसे भी प्रायोरिटी वाली ट्रेन है। तो आरण्यक एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक किया सांतरागाछी स्टेशन पे, और ये इस्पात एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक किया। कहाँ पे ओवरटेक किया? दो बार ओवरटेक किया, एक बार आपका कौन सा स्टेशन था, दासनगर पे किया, और दूसरे टाइम यहाँ हावड़ा के साइडिंग के आसपास में किया। तो इस्पात एक्सप्रेस तो आ जाएगी यहाँ पे। एंड आप लोग ये बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, एंड हावड़ा काफ़ी बिजी लग रहा है अभी भी। एंड गाइस, इसके बाद मैं सोच रहा था कि श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस वाला वीडियो बना दूं, उसके बाद शायद NJP शताब्दी बनाऊं। तो ठीक है गाइस, अभी मैं चलता हूं, आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक ठोकना तो बनता ही है। एम रखते हैं 400 लाइक्स के, कर दो यार, जल्दी से कर दो यार, लाइक किए बिना यार कहीं मत जाना अगर आपको अच्छा लगा होगा। एंड आप लोग कुछ कमेंट्स में ही बताना कि अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। तो ये ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है, इस्पात एक्सप्रेस। ठीक है गाइस, तो आज के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।